जो है खदाई होने को रह चुकी और ये रही बहुत सारी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हुआ है 1:45, और कल जो मेरे स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया था तो मैंने जितने भी स्टूडेंट पढ़ाए थे सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुके हैं, और मैं आगे चलकर और कामयाब हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं काफ़ी दिनों बाद खेतों की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम खेतों की तरफ गए नहीं थे घूमने के लिए। और कल मेरे सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया था, ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट पास ही हो चुके हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और आगे ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही कामयाबी हासिल करते रहें। अभी भी कुछ लोगों के गेहूं जो हैं खदाई होने को रह चुके हैं, आप देख रहे हैं सामने। थोड़ी देर में ये भी खन जाएंगे। सभी सारे खेत जो हैं खाली पड़े हैं। जब बारिश होगी तभी इनकी जुताई होगी, क्योंकि थोड़ी नमी हो जाएगी यहाँ पर। और हम लोग आ चुके हैं पुरेनी की पुलिया पर। यहाँ पर लोग अक्सर यहाँ पर आकर बैठा करते हैं। गाइस आप देख रहे होंगे सामने शायद मिसाइल जा रही है। आप देख रहे हैं खदाई स्टार्ट हो चुकी है और एक तरफ भूस इकट्ठा हो रहा है तो दूसरी तरफ गेहूं। हमने जो भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ इसलिए जमा है क्योंकि आज हमारे यहाँ लंगूरी बंदर आ गया है। आप सामने जो बंदर देख रहे हैं इनके डर के मारे हवा ख़राब है इनकी। और ये रहा लंगूरी बंदर, आप चाहे सामने देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये रहा लंगूरी बंदर और बच्चों की भीड़ आप देख ही रहे हैं। और इसकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है, आप देख रहे हैं इसे। ये देखिए इसकी पूंछ, तो आप देख सकते और ये बैठा है, आप देख सकते हैं इसकी पूंछ कितनी लंबी है। और इसकी वजह से छोटे छोटे बंदर हैं वो दूर भाग रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा खौफ है। बच्चों की भीड़ आप देखें मोहल्ले में।